हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जून 2019 टर्म एग्जामिशन के लिए फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट कब रिलीज की जाएगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार एग्जामिशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 15 अप्रैल तक रखा गया है, और जैसे एग्जामिशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट खत्म होता है उसके बाद से सभी स्टूडेंट्स सिर्फ यही क्वेरीज करते हैं कि एग्जामिशन फॉर्म फिलअप तो हो गया, अब फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट कब रिलीज की जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो इग्नू में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट इग्नू कब रिलीज करता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हर साल इग्नू में पहली बार एग्जाम देते हैं और पहली बार एडमिशन लेते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी होनी लाजमी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू हर बार दो डेट शीट रिलीज करता है, पहले एक टेंटेटिव डेट शीट होता है उसके बाद से फाइनल डेट शीट होता है। तो पहले इग्नू ने टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप लोग डायरेक्ट लिंक को फॉलो करके भी जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा और मेहनत करना है तो आप लोग जो नॉर्मल तरीका है उससे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल तरीका से डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख लीजिए, उसके लिए इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, स्टूडेंट सपोर्ट में डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद से आपको प्री एग्जाम इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें जाना होगा, वहां से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए डेट शीट लिखा हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इस बार जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया उसमें क्या डिफरेंसेस ये हुआ, जब इग्नू ने 1 मार्च को, इस बार तो सबसे अच्छी बात हुई कि 1 मार्च को ही इग्नू ने डेट शीट रिलीज कर दी, लेकिन वहां पे टेंटेटिव लिखने में गलती हो गया, टेंटेटिव इग्नू ने नहीं लिखा, तो सभी स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये फाइनल डेट शीट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इग्नू की तरफ से ये टेंटेटिव डेट शीट ही है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टेंटेटिव डेट शीट में होता यह है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स उनको मैं बता दूं, एक्चुअली डेट शीट में क्या होता है कि आपका एग्जामिशन का टाइम टेबल लिखा रहता है। ठीक है, कि कौन सा एग्जामिशन आपका कौन सा डेट पे पर है और कौन सा सेशन में पर है, यानी कि मॉर्निंग में या इवनिंग में। ठीक है, अब देखो टेंटेटिव डेट शीट में होता क्या है, इस बार टेंटेटिव डेट शीट अच्छा से बनाया गया है। ठीक है, उसमें काफी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, 4 जून का जो एग्जामिशन है 4 जून में, बहुत बार देखा गया है काफी सालों से होते आ रहा है कि AOM 01 जो ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर है और CHE 4 जो केमिस्ट्री का पेपर है, काफी साल ये एग्जामिनेशन दोनों पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ता था, यानी कि मॉर्निंग सेशन में पड़ता था, जिसे क्या होता था कि काफी बीएससी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो CHE 4 भी लेते थे और अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में क्योंकि AOM 01 बहुत इजी पेपर है तो वो भी लेते थे, और होता यह था कि उनका दोनों पेपर क्लैश हो जाता था। तो इस बार जो इग्नू ने डेट शीट रिलीज किया है उसमें क्या किया, देखिए मॉर्निंग सेशन में है AOM 01 और CHE 4 है इवनिंग सेशन में, तो उसे क्या हुआ दोनों पेपर क्लैश नहीं होगा। लेकिन इग्नू चाहे जितना भी कोशिश कर ले टेंटेटिव डेट शीट में दो पेपर को क्लैश ना होने से बचाने के लिए और कोशिश करे कि स्टूडेंट्स का 6 मंथ बर्बाद ना हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है क्योंकि इग्नू का जो सब्जेक्ट का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जिसमें वो कितना भी कोशिश करे तो ऐसा क्लैश हो ही जाता है। ठीक है, तो इस बार भी हुआ ऐसा ही, क्योंकि देखो क्या होता है कि सभी स्टूडेंट जितने भी हैं बीए बीकॉम बीएससी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स के पेपर को एडजस्ट करने में, क्योंकि वो अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स एक ऐसा पेपर है जो फाइनल ईयर में रहता है और सभी स्टूडेंट्स को लेना पड़ता है, बीए बीकॉम और बीएससी तीनों का लेना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर थर्ड ईयर का पेपर भी बाकी बचा रहता है, कितना स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर का भी पेपर बाकी बचा रहता है वो क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं और उसके साथ में अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स का भी पेपर रह जाता है जिसके वजह से पेपर क्लैश हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जिसे 8 जून को ACS 01 का पेपर भी है और CHE 6 का पेपर दोनों एक साथ हो गया। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ACS 01 भी होगा अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स का, अब CHE 6 भी होगा केमिस्ट्री का, तो अब तो ये दोनों पेपर क्लैश हो गया। अब जिसका भी होगा तो उनको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। तो यही सब चीज जो होता है वो टेंटेटिव डेट शीट में होता है जिसको चेंज करने के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है। टेंटेटिव डेट शीट इस तरीके से रिलीज कर दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर क्लेम करेंगे देखा जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स का दोनों पेपर सेम हो गया है सेम टाइम पे, तो उनको बचाने के लिए उनको ठीक करने के लिए फिर फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है जिसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई पेपर सिर्फ जून में है सॉरी सिर्फ मॉर्निंग में है तो उसको मॉर्निंग या इवनिंग किया जाएगा, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट किया जाएगा, कुछ डेट इधर उधर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा चीज किया जाता है तो फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है। तो ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये टेंटेटिव डेट शीट ही है, इसमें भी काफी सारे चेंजेस हो गए और उसके बाद से जो एग्जामिनेशन के आपके 15 दिन पहले आपका फाइनल डेट शीट रिलीज होता है। ये हर साल का परंपरा है और इस बार भी वही होगा, ये फाइनल डेट शीट नहीं है। ठीक है, तो जो फाइनल डेट शीट होगा आप लोग का 15 मई
या उससे पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि 15 मई या उससे पहले आप लोग का फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया जाएगा इग्नू की तरफ से, जो हर बार होता है। मैक्सिमम होगा तो 15 मई, उससे ज्यादा लेट नहीं होता है इग्नू की तरफ से फाइनल डेट शीट रिलीज करने में। उससे पहले रिलीज होता है लेकिन उसके बाद रिलीज नहीं होता है, उतना लेट नहीं करता। और जहां तक हॉल टिकट का बात है तो हॉल टिकट जैसे हर बार होता है, इग्नू कोशिश करता है कि 10 दिन जब आप लोग का एग्जामिशन का बाकी रहता है, यानी कि यहाँ पे जब एग्जामिशन फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे भी इस बात को मेंशन किया गया है। नॉर्मली होता है, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन इग्नू की तरफ से कोशिश ये किया जाता है जब 10 दिन बाकी रहता है आप लोग का एग्जामिशन स्टार्ट होने में, यानी कि 20 मई या उसके बाद से आप लोग का हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें आप लोग के एग्जामिशन के डेट और एग्जामिशन के सेंटर और सभी डिटेल दिए होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है, तो मैक्सिमम अगर लेट होता है तो 23 मई तक, यानी कि 1 वीक जब आप लोग का एग्जामिशन का बाकी रहता है तब हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है, बहुत लेट होता है तब, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आपका 20 मई तक आप लोग का इस बार का जो हॉल टिकट है वो जनरेट कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे ही फाइनल डेट से रिलीज होगी या हॉल टिकट रिलीज होगी तो मैं आप लोग को अपने चैनल के थ्रू बता दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। हालांकि हॉल टिकट जनरेट करने में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब 2017 जून 2017 का एग्जामिशन था, उस वक्त जस्ट 3 दिन बाकी था जब एग्जामिशन का, तब ऐसा किया गया था, 3 दिन जब बाकी था तब हॉल टिकट रिलीज किया गया था। तो ये पहला बार और लास्ट बार ही हुआ था जब इतना लेट से हॉल टिकट रिलीज किया गया था, नहीं तो इसके बाद उससे पहले या उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो यही वीडियो को समाप्त कर देता हूं मैं कि फाइनल डेट शीट कब रिलीज की जाएगी, 15 मई या उससे पहले, और हॉल टिकट जो होगा आप लोग का 20 मई या उसके बाद, और मैक्सिमम 23 मई तक आप लोग का हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि फाइनल डेट शीट और हॉल टिकट जून 2019 टर्मिनल एग्जामिशन के लिए कब रिलीज होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यही सब था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।